नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके सर में बाल नहीं है, यानी कि आपको गंजापन हो गया है, या फिर आपके बाल झड़ गए हैं, या फिर आपके बालों में रूसी आ गई है, तो किस तरह से घर में उपचार करें और इससे आपको 100% लाभ होने वाला है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएँ, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल आप ऐड तो देखते ही होंगे दूरदर्शन में, या फिर जितने भी टीवी में होते हैं ऐड आते हैं, उसमें ज़्यादातर प्याज के रसों के बारे में बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कितने काम की चीज़ है। इसको आप घर में ही इस्तेमाल करके बहुत पैसा बचाकर अपने बाल को उगा सकते हैं। गंजापन है तो वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, अगर बाल झड़ गए हैं तो वो आ जाएंगे और बाल जो है काले और घने हो जाएंगे। दोस्तों, कमाल की चीज़ है ये प्याज, बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन इसके फ़ायदे और इसको लगाने का तरीका और किस तरह से इसका रस निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, प्याज जो है इसमें जो है आप क्या मिलाएंगे तो और भी कई सारी बीमारियां ठीक होती है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो है अगर आपके सर में बाल नहीं है, गंजापन है, तो इसका रस कैसे निकालें और कैसे लगाएं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज, तो प्याज का रस हम कई तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो हमें यूज़ करना है, किस तरह से हमें जो इसका इस्तेमाल करना है। तो पहले निकालने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है प्याज को काट लेंगे इस तरह से, देखिए तो बिल्कुल जो है लाल प्याज लेना है, इस बात का ध्यान रखें हम। इस तरह से इसका कवर निकाल देंगे हम, ये देखिए इस तरह से। बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों प्याज, और इसके प्याज का जो पहले रस मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कमाल की चीज़ आपकी क्या क्या काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। हर किसी घर में कद्दूकस होता है, तो इससे हम कद्दूकस करेंगे। इसको कद्दूकस कर लेंगे, दोस्तों प्याज के रस को फालतू का मत समझिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत बड़ी औषधि है ये। इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो इतना लंबा बनेगा कि आप बोलेंगे इतना लंबा वीडियो आपने बना दिया, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दूं कि ये बालों के लिए अमृत है, और मैंने अपने आँखों से देखा है दोस्तों, इसके रस से जो है आपके बाल आ जाएंगे, गंजापन है वो जो है धीरे धीरे जो है बाल में तब्दील हो जाएगा, और बाल तो काले हो ही जाते हैं, क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, प्याज का रस जो है अब हम निकालेंगे इसको। बहुत आसान तरीका है, कोई भी रुमाल हो, कॉटन हो, इस तरह से ले लें और इसको फैला लें इस तरह से, और इसमें ये प्याज का रस डाल दीजिए। ये देखिए किस तरह से रस निकल रहा है, देखिए
दोस्तों, ये है प्याज का रस। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये प्याज का रस है, देख लीजिए। तो इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों, इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है अपने उंगलियों से लगा लें, अपने बालों की जड़ों में। तो नहाने से आप जो है 1 घंटा पहले लगा लें, अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो। और अगर घर में रहते हैं और अगर थोड़ा लेट नहाते हैं तो आप सुबह सुबह लगा लीजिए। कितने देर आप रख सकते हैं वो आपके ऊपर है, कम से कम 20 मिनट तो रखना ही है। तो इसको आप नाखून, हाथों से लगा सकते हैं, इस तरह से। और दूसरा है कॉटन, यानी कि कपास से डुबो डुबो के आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं। तो आपको आपके बालों की जड़ों में हल्की हल्की मालिश करनी है इससे। तो इससे जो है आपके बाल, देखिए, आपको प्रतिदिन करना है ये। और इसमें जो है आपको कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। छुट्टी के दिन थोड़ा लंबा समय ले सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है प्याज का रस। अब प्याज के रस में हम क्या क्या मिलाएं और क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं शहद, तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको इसके साथ मिला के क्या फ़ायदा होगा। और ये देखिए, जैसे कि लेमन, नींबू, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और ये है मस्टर्ड ऑयल, तेल, सरसों का तेल, देख लीजिए। तो इसको किस तरह से लगाना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमें अदरक, तो इनका मैं प्रयोग आगे आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, इस मामूली से प्याज में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। विटामिन सी होता है, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, साथ में ही जो त्वचा और आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फोलेट 9B, ये कोशिका के विकास और मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन 6B, ये शरीर और मानसिक कार्य में प्रमुख भूमिका निभाता है, साथ में ही ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाता है। ये हृदय रोग और उच्च रोग में काफी फायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। केवल लाल या बैंगनी रंग के प्याज जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। रक्तचाप को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसमें सल्फर यौगिक होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, तो जिन्हें कैंसर है वो ले। ये रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। दोस्तों, प्याज का रस दो दो बूंद अगर आंखों में आप डालते हैं, इसमें हल्का सा सेंधा नमक मिलाते हैं, तो आंख से संबंधित जो बीमारी है वो जो है समाप्त हो जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ले। कार में अगर सूजन हो तो आप अलसी को प्याज के रस के साथ पका लें अच्छे से। इस रस को गुनगुना करके कान में 4 से 8 बूंद डाल दें। इससे कान में जो है दर्द, सूजन की समस्या दूर होगी। दोस्तों, अगर बवासीर से परेशान है तो 2 प्याज को भूनकर या सेक लें और इसके लुद्दी को निकालकर, जो कि मसा है बवासीर का, वहां पे लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। लंपुसकता के शिकार है वो प्याज के रस का सेवन करें। क्या करना है, इसमें 4 मिली रस आप मिलाएं और 4 ग्राम गाय का घी लें और 3 ग्राम इसमें आप शहद मिलाएं। इसे सुबह और शाम 2 बार लेना है। अगर आप रात को दूध भी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जिन लोगों को भी जो है लंपुसकता की समस्या है वो इस तरह से आप ले सकते हैं। 4 मिली प्याज का रस, 4 ग्राम गाय का घी और 3 ग्राम शहद सुबह और शाम लेना है आपको, रात में दूध के साथ लेना है। महिलाएं अगर मासिक चक्र की समस्याएं से जूझ रही है तो कच्चे प्याज का नियमित सेवन करने से आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी काम शक्ति बढ़ानी है तो आपको मैं एक तरीका बता चुका हूँ, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक जो है सामग्री अलग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में से कोई भी एक जो है विधि का प्रयोग करें, दो तरीके अलग अलग हैं, दोनों में से जो आपको आसान पड़ता है वो करें। प्याज के आधा किलो का रस लीजिए, उसमें जो है 2 लीटर शहद मिलाना है, 250 ग्राम चीनी मिलाकर इसका शरबत बना के छोड़ दें।
अब रोज आपको इस शरबत से सिर्फ 25 मिली प्रतिदिन सेवन करने से आपकी काम शक्ति दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि प्याज का रस कितना फायदेमंद है, तो प्याज का रस आपके बालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपको बाल की समस्या है तो इसको अपने जो है सर में लगाइए, और प्याज का रस सुबह आप खाली पी सकते हैं। अगर आप पीना चाहें तो बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लोग प्याज का रस भी पीते हैं सुबह के समय, तो आप अगर प्याज का रस पी सकते हैं तो आप पीजिए। अगर आप प्याज का रस पीते हैं तो आपको क्या फायदा होगा मैं बता देता हूं आपको। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, पाचन क्रिया बिल्कुल बढ़िया रहेगी। वजन अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो रोज सवेरे एक गिलास जो प्याज के जूस लें। तो प्याज के जूस कैसे बनाना वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बड़े आकार का प्याज लें और उसको काट के चार टुकड़ा कर लें और उसमें एक गिलास पानी मिला के मिक्सी में अच्छे से पीस लें, उसको छान के पिए। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खाली पेट पीना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहे तो इसमें एक चम्मच शहद भी मिला के पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।